अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ मेरी ईद की प्रेपरेशन की वीडियोस, सफाई की वीडियोस और इस तरह की जो है छोटी मोटी आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। और यहाँ पे मैं शामी कबाब जो है वो रेसिपी जो है वो अपलोड कर दी थी मेरे चैनल पे, और उसके लिए मैं तैयारियां कर रही थी। शामी कबाब सबसे पहले उठ के मैंने बनाए सुबह सुबह, कुछ तो मैंने फ्रीज़ कर दिए, और ये जो है मैंने इफ्तार में है फ्राई किए थे, क्योंकि उससे पहले फ्राई करने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई खाने वाला था। तो आधी रेसिपी जो है सुबह रिकॉर्ड की, आधी जो है वो शाम को रिकॉर्ड की, और इस तरह करके मैंने रेसिपी पूरी की। और रिकॉर्ड करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा यू नो बिहाइंड द सीन्स जो काम होता है आगे चल के, आप वो भी देखेंगे। तो आपको पता है जैसे कि ईद से पहले सब लोग ही सफाई सुथराई और इस तरह यू नो चीज़ें प्रिपेयर करने में आधी दुबी बना के रख देते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन इतना टाइम नहीं होता। सो बहुत ज़्यादा लोग ओबियसली या तो एक दिन पहले शुरू कर देंगे या तो उसके कुछ दिन पहले सफाई वगैरह, तो ओबियसली इतना टाइम नहीं होता सबके पास, क्योंकि ईद वाले दिन ज़्यादातर फोकस खानों पर ही होता है कि हमने ये चीज़ बनानी वो चीज़ बनानी। सो इसी तरह मैं भी कुछ ऐसे ही करूँगी ईद पर। और अब यहाँ पर जो है क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो ये जो बिहाइंड द सीन्स आप देख रहे हैं कि रेसिपी के बाद जो इतना जो घर में किचन में जो गंद मचता है कि ये बर्तन वो बर्तन, इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं, बेशक आप एक भी चीज़ रिकॉर्ड के लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई लॉन्ड्री वगैरह की, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह थे वो किए साथ साथ, और साथ ही जो है मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ की और इस तरह की और छोटी मोटी सफाइयाँ जो है किचन की, बल्कि पूरा ही किचन साफ़ किया, घर साफ़ किया। और इसी तरह करते करते बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं और पूरा दिन लग जाता है। तो आज मैंने बाहर भी जाना था, तो मैंने सोचा कि आज जो जो काम होता है मैं आज कर लूँगी, कुछ वापस आके कर लूँगी, और कुछ जो है मैंने शाम को ही रिकॉर्ड कर दिया था। ये तो है छोटा मोटा जो है आप क्लिप देख रहे हैं, इसके अलावा भी घर की बहुत ज़्यादा सफाई होती है, बेडशीट चेंज करें, ये धोएं वो धोएं, घर की बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब वो सब करने के बाद मैं जा रही हूँ अभी बाहर, तो आप ये जो है कुछ बाहर की वीडियो है ये इंजॉय करें। मैं जा रही थी सैलून और कुछ शॉपिंग वगैरह रह गई थी जो ईद के लिए अक्सर ही कुछ ना कुछ रह ही जाता है। कुछ बच्चों की चीज़ें थी और कुछ मैंने अपने लिए देखनी थी। सो मैं जा रही थी यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह करने, और इसी के साथ क्यों ना मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी छोटा मोटा जो है वीडियो क्लिप व्यू शेयर किया जाए। और मुझे मैं अक्सर लोगों के व्लॉग देखती हूँ, तो मुझे इस तरह की दूसरी कंट्रीज़ में उनकी चीज़ें देखना, उनकी बसेस देखना, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे रहते हैं, मुझे देखना बहुत ही मज़ा आता है। आई रियली इन्जॉय, बहुत ही सिंपल से क्लिप होते हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, मुझे बहुत ही मज़ा आता है उनको देख के। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी तरह और भी इस तरह लोग होंगे जो देखना चाह रहे होंगे कि हम यहाँ पे कैसे रहते हैं या क्या माहौल है। ये हमारी यहाँ पे जो है लोकल बस है, हम लोकली यहीं पे ट्रैवल करते हैं। इस बस में जो है फ्री वाईफाई होता है, और उसी के साथ यहाँ पे यूएसबी चार्ज केबल फ़ोन चार्ज करने के लिए लगी होती है, और बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं इस बसेस में हमें प्रोवाइड की हैं। फुल एसी एयरकॉन बस है, और बिल्कुल यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा ट्रैवल फैसिलिटी तो हांगकॉन्ग में नंबर वन है। यू नो आपको आई डोंट थिंक यहाँ पर अगर गाड़ी नहीं है तो हमें फील होता है कि हमारी गाड़ी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बेल्ट वगैरह इस तरह की लगी हुई है, सीट बेल्ट लगे हुए हैं, बहुत ही सेफ और बहुत ही सफाई सुथराई है। आपका स्टॉप आ रहा है, आपने सिर्फ बेल दबानी है और ड्राइवर ने नेक्स्ट स्टॉप पे आपकी बस आपके लिए रोक देनी है, और बहुत ही मज़ेदार और ऐसे लगता है कि जैसे आपकी अपनी ही गाड़ी है। मतलब कि कोई भी यहाँ पे आपको, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में ऐसे होता है कि गाड़ी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें गाड़ी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा सा सिटी है, तो पार्किंग का बहुत ही मसला होता है, बहुत ही रश होता है। जी अब यहाँ पे जो है मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन कुछ शॉपिंग वगैरह की, और उसके बाद जो है जो सैलून था उसका मुझे एड्रेस नहीं पता था। तो मैं क्या करती हूँ कि वही जो मेरी इंस्टा पे आपने वीडियो देखी होगी कि आपने दुपट्टे की चूक जो है वो साइड से उसका जो नॉट इस तरह बांध लेनी है, और आपने साथ में एक दुआ पढ़नी है, और उसके बाद आपको जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आ जाएगी या आपको वहाँ तक ले जाएगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, मुझे एड्रेस नहीं समझ आ रहा था और याद नहीं था, और मैंने वही नुस्खा जो है वो ट्राई किया, और बिल्कुल आँखें बंद करके सीधा जो है मैं उस सैलून के बाहर पहुँच गई। सो ये है नंबर वन एंड टॉप नुस्खा, मैं हमेशा ये इस्तेमाल करती हूँ। तो जी
यही था बस आज का छोटा सा क्लिप। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कि बारिश में जो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, ये है जी ईद के बाद की जो है वीडियो। और ईद वाली जो वीडियो है वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ईद की प्रेपरेशन और इस तरह की छोटी मोटी क्लिप मैंने रिकॉर्ड की हैं। अब जो है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब जो रिकॉर्ड की है उसको ही पहले एडिट करके अपलोड कर दें और छोटा मोटा आपको व्यू दिखा दें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।